इनके ऊपर भी राजी हो गए, जो इनकी नक्श कदम पर चलेंगे तो यकीनन अल्लाह इन सब से राजी है। फिर अल्लाह ने यह भी फरमा वल्लदीना तबाऊ बेहसान, ये कहकर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने वो सहाबी और जो इनके नक्श कदम पर चलने वाले और वो ताबीन जो इनके नक्श कदम पर चलने वाले इनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दे कि अल्लाह इनकी इनके ऊपर भी राजी हो गए, जो इनकी नक्श कदम पर चलेंगे तो यकीन अल्लाह इन सबसे राजी है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकम्मल अदवार और हजरत उस्मान मुकम्मल अदवार और फिर हजरत उस्मान गनी की खिलाफत की इब्तदाई 6 साल पूरे उम्मत मसलबा के लिए एक मियार है। 6 साल के बाद फिर उम्मत में इख्तलाफात पैदा हो गए, उम्मत में इख्तलाफात पैदा हो गए जंग सफीन और जंग जमल की बात से। और जो हमारे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में भी कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन मेरे दोस्तों बात यह है दर हकीकत रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदुआन